अस्सलाम वालेकुम अलायस किचन में खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार पाया रेसिपी, जो कि नाश्ते में बेहद मज़े के लगते हैं। तो ये बिल्कुल भज्जे के स्टाइल में होंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 8 पाए लिए हैं, यानी कि 2 बकरों के ये पाए हैं। अब इसमें जाएगा पानी, अच्छे से इन्हें साफ करके वॉश कर लिया गया है। तो इसको अब इसमें पानी डाल दिया है। जाएगा 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, ये मैं पानी के बाद फ़ौरन ही ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी। अब इसमें जाएगा सूखा धनिया, सिर्फ मिर्च पाउडर, नमक, ये सारे स्पाइसेस आप सेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। इसमें जाएगा मक्खन, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी बटर यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारी मैं रेसिपी आपको 8 अदद पाए हैं उनकी दे रही हूँ। बस अभी के लिए इतनी ही चीज़ें इसमें जाएंगी। अब हम इसे देंगे प्रेशर, 1 घंटा प्रेशर देना है। मैं इसमें कोई बाजारी पाया मसाला नहीं ऐड कर रही, क्योंकि जो पायों का एक्चुअल टेस्ट है वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो हम इसमें सिर्फ ये रेगुलर स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं पहले। अब इसे 1 घंटा प्रेशर देंगे। जनाब मैंने ना प्रेशर खोल दिया है 1 घंटे के बाद। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी कुछ ये कंडीशन है, अच्छे से सब कुछ गल चुका है। ठीक है, तो ये आप देखें, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप पानी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं जब प्रेशर खोल लें। तो मैंने भी थोड़ा सा ऐड किया था। और अगर आपको शोरबा थिक पसंद है, पतला नहीं पसंद, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड करके इसे थिक भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें और कुछ भी नहीं रह गया, जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे उतने ही इसमें जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल पाया टेस्ट अगर ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं अब सिर्फ तड़का लगाऊंगी इसको, और ये बिल्कुल रेडी हैं मज़ेदार पाए। जी अब तड़का रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 प्याज दरमियाने साइज़ का लिया है, और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा सोते, और इसमें जाएगी, ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएगा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही तड़के में, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ पाए में। तो अब इसे बस ये रेडी है, मिक्स करेंगे। जी मज़ेदार पाए डन है। पाए की आपकी ये होना चाहिए आपके उंगलियों का, तो परफेक्ट बन गए हैं जी। मज़ेदार पाए रेडी हैं। आप इसे नान, कुलचा, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाएं, और अपने नाश्ते को बेहतरीन बनाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।